अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिनोवो पैरिमिडीन एंड प्यूरीन सिंथेसिस। ठीक है, इसको हमने डिटेल में देखना है कि ये क्या है डिनोवो पैरिमिडीन एंड प्यूरीन सिंथेसिस। कि हमारे जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, ये हमने डीएनए में पढ़ी हैं, प्यूरीन और पैरिमिडीन दो होती हैं, डबल रिंग सिंगल रिंग। तो आज हमने देखना है कि उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, वो कैसे बनती है, और इसके ऊपर हम फार्माकोलॉजी कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम इनको यूटिलाइज करते हुए हम वहाँ पर अपनी मेडिसिन वगैरह अप्लाई करते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं। सो वेरियस इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, आपकी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स फंक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। मतलब आप एक, मैंने बताया था, एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, नंबर वन पे क्या लगी होती है, नाइट्रोजिनस बेस, और नंबर फाइव पे क्या लगी होती है, फॉस्फेट लगी होती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनने के लिए इन तीनों चीजें चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो है ना, इंटरफेयरिंग विद न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, हम ये वाली ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रग, इम्यून सप्रेसिव कोई भी, वो हम नीचे अभी देखेंगे डिटेल में। तो वो ड्रग्स इन नाइट्रोजिनस बेसिस की जो सिंथेसिस है उसको रोक देती है। ठीक है, तो इसकी जब सिंथेसिस रुक जाती है तो क्या आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा, इसकी सिंथेसिस नहीं होती। तो इस तरह ये ड्रग्स इंटरफेयर करती हैं विद न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, उनकी सिंथेसिस क्या करती है, रोक देती है। जब न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं होती तो क्या डीएनए की सिंथेसिस होगी, नहीं। जब किसी की किसी, अब लेट्स सपोज इट बी सेल्स है, बी सेल्स, टी सेल्स, लेम्फोसाइट्स, टी लेम्फोसाइट्स, इन्हें हमने पढ़े, बी सेल्स टी लेम्फोसाइट्स है, इनका डीएनए नहीं बन रहा, तो मतलब ये सेल्स ही नहीं बन रहे, तो होगी नहीं इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स, कि हमारे जो इम्यून सेल्स है उनको सप्रेस कर रही है। बी सेल्स, टी सेल्स, हमारे इम्यून सेल्स है ना, जब इम्यून सेल्स के न्यूक्लियोटाइड ही नहीं बन रहा, उनका डीएनए नहीं बन रहा, तो ये सेल्स ही नहीं बन रहे, तो मतलब ये इम्यून सेल्स नहीं बन रहे, तो होगी नहीं इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स। तो इस तरह ये वेरियस इम्यून सप्रेसिव में, इसी तरह एंटी न्यूप्लास्टिक, ठीक है, उसमें यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक में भी ये हम ये करते होते हैं। और वो कैसे करते होते हैं, इसको हम डिटेल में नीचे देखते हैं कि इसका क्या होता है। हाँ, इम्यूनोलॉजी में हमने जो ड्रग्स पढ़ी थी वो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा उनका वो करेंगे। तो मेन चीज आपने क्या है कि ये हमने याद करना है कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसमें एंजाइम्स के नाम याद करने, बेसिक चीज वो है। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो सबसे पहले देखें पैरिमिडीन सिंथेसिस देखते हैं पहले। ठीक है, पैरिमिडीन बेस प्रोडक्शन के, उनकी प्रोडक्शन कैसे, सिंथेसिस कैसे होती है। तो इट रिक्वायर्स यहाँ पर तो लिखा हुआ है सिर्फ एस्पार्टेट, लेकिन इसके लिए ग्लूटामाइन भी रिक्वायर होता है। ठीक है, इसके लिए एस्पार्टेट भी रिक्वायर होता है। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है ना, बस ये चीज आपको रिक्वायर होती है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब बस आप, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इट रिक्वायर्स एस्पार्टेट, एस्पार्टेट नीड होता है, ग्लूटामाइन नीड होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो इसके साइकिल में जो चीज होती है, इसके फंक्शन, इसमें इसकी सिंथेसिस में जो सबसे पहली चीज होती है वो ये होता है कि आपका ग्लूटामाइन, ये वाला अमीनो एसिड, एस्पार्टेट अमीनो एसिड है ये, ग्लूटामाइन अमीनो एसिड। ठीक है, स्टार्ट एरिया, ग्लूटामाइन अमीनो एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ये दो प्लस दो एटीपी, प्लस दो एटीपी, ये तीन चीजें मिलती हैं और क्या बन जाता है, कार्बोमाइल फास्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोमाइल फास्फेट। रिपीट कर रहा हूं मैं चीजों को, कि आपका ग्लूटामाइन, वालेकुम सलाम, कि आपका ग्लूटामाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूटामाइन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, साथ में दो एटीपी यूज होते हैं, तो क्या बन जाता है आपका, कार्बोमाइल फास्फेट बन जाता है। अच्छा, जब दो एटीपी यूज होते हैं तो इसके नतीजे में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, दो एटीपी और दो फास्फेट के जो बाई के जो वो बन जाते हैं, और साथ में आपका क्या बन जाता है, ग्लूटामेट बन जाता है। साथ में क्या बन जाता है, ग्लूटामेट। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज 2, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज 2, CPS2, ये वाला एंजाइम यूज होता है। मैं रिपीट करता हूं, इस वाले स्टेप को रिपीट करता हूं मैं दोबारा से, देखें वो कहता है कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 2 एंजाइम क्या करता है, ग्लूटामाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है, इनको इकट्ठे मिलाता है, और साथ में दो एटीपी यूज करता है। जब दो एटीपी यूज करेगा तो क्या बन जाएंगे, दो एडीपी प्लस दो फास्फेट। क्यों, क्योंकि ये ट्राई फास्फेट था, अब क्या बन जाएगा, डाई फास्फेट, दो उसके जो फास्फेट है वो यूज हो जाएंगे, और इसके नतीजे में बन क्या जाता है, कार्बोमाइल
फास्फेट बन जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपने ये एंजाइम का नाम याद रखना है, कार्बोमाइड फास्फेट एक नहीं प्रोड्यूस होगा तो फास्फेट उसमें किसमें? सर 2 ATP में फास्फेट एक नहीं होगा। देखे एक यहां से ये 2 ATP है ना, 2 ATP है ना, तो दो 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 बनेंगे ना, दो 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 ATP बनेंगे ना। इससे एक निकल गया, इससे भी एक निकल गया, दो निकल गए, तो दो आपके ATP बन जाएंगे ना, 2 ATP है तो 2 ATP बन जाएंगे। और ये भी दो ही, अब ये कह रहे हैं ना, ये भी दो ही, ये भी दो दो ही आपके वो बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये स्टेप समझ आ गया। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आपने ये एंजाइम याद रखना है कि इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, कार्बोमाइल फास्फेट सेंथिटेज 2। अच्छा एक और एंजाइम होता है, शायद आप लोगों के माइंड में भी आ रहा हो, कार्बोमाइल फास्फेट सेंथिटेज 1, शायद आपके माइंड में भी आ रहा हो। ये वो एंजाइम होता है जो आपके यूरिया साइकिल में यूज होता है, याद है यूरिया साइकिल में ये वाला एंजाइम यूज होता था। कि देखें दो चीजें हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करें, कार्बोमाइल फास्फेट सेंथिटेज 2 यूज होता है पेरिमिडीन सिंथेसिस में, ठीक है, और ये मौजूद होता है जो सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, कहाँ, साइटोप्लाज्म या फिर आप साइटोसोल भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है, साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म। क्या कि आपका कार्बोमाइल फास्फेट सेंथेटेज 2 इन्वॉल्व होता है पेरिमिडीन सिंथेसिस में, और लोकेशन क्या होती है इसकी, सेल्स के साइटोप्लाज्म में। लेकिन आपका जो कार्बोमाइल फास्फेट सेंथेटेज 1 है ये इन्वॉल्व है यूरिया साइकिल में, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, समझ आ गई ये चीज कि ये इनका डिफरेंशिएट आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ नीचे भी मेरे ख्याल में देखें, कार्बोमाइल फास्फेट सेंथेटेज 1 माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूरिया साइकिल में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया MI 1 होता है ना, तो कार्बोमाइल फास्फेट 1 होगा। कार्बोमाइल फास्फेट सेंथेटेज 2 कार्ल 2 सोल है, कार्टिसोल को पढ़े कार्ल 2 सोल, 2 यानी 2, यानी कार्ल 2 सोल में 2 वाला आपका होगा, और 1 वाला किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और 1 वाला किस में यूज होता है, यूरिया साइकिल में, और 2 वाला किस में यूज होता है, पेरिमिडीन सिंथेसिस, पेरिमिडीन सिंथेसिस में। आई होप कि आपको ये डिफरेंस, इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये था भी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया, और ये पहला स्टेप भी समझ आ गया, इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा मैं इसको एक बार फिर, क्या वो कहता है, वो कहता है आपका एंजाइम कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 2, ये एंजाइम ग्लूटामाइन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाता है, ठीक है, और क्या बना देता है, कार्बोमाइल फास्फेट, और इसमें वो 2 ATP यूज करता है जिसके नतीजे में बाई प्रोडक्ट बनता है ग्लूटामेट प्लस 2 ATP प्लस फास्फेट, एक फास्फेट बन जाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये बनता है, और डिफरेंशिएट उसने किया है कि CpS2 यूज होता है पेरिमिडीन सिंथेसिस में, और ये मौजूद होता है कार्टिसोल साइटोसोल में, किसमें, साइटोसोल में, और आपका एक होता है CpS1 वो यूज होता है आपके यूरिया साइकिल में, और वो मौजूद कहाँ होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ मौजूद होता है, वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, आगे बढ़े चले, पेरिमिडीन सिंथेसिस में हमारे पास क्या बन चुका है, कार्बोमाइल फास्फेट। अब हमने इस कार्बोमाइल फास्फेट को आगे लेके चलना है, ये आगे कैसे होता है कि इसमें एक एस्पल्टेट, जो हमने ऊपर कहा रिक्वायर्स एस्पल्टेट, अब ये एस्पल्टेट अमीनो एसिड आएगा, ये आके आपके कार्बोमाइल फास्फेट के साथ मिल जाएगा, इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, ऑरोटिक एसिड, क्या बन जाएगा, ऑरोटिक एसिड। और यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है डाइहाइड्रो ऑरोटेट डीहाइड्रोजिनेज, ऑरोटेट डीहाइड्रो जिनेस, क्या क्या चीज है, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, वो कहता है कि कार्बोमाइल फास्फेट के साथ एडिशन होगी एस्पर्टेट अमीनो एसिड की, जब इसकी एडिशन होगी तो एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा, डाइहाइड्रो ऑरोटेट डीहाइड्रो जिनेस, ये एंजाइम एक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, ऑरोटिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑरोटिक एसिड। तो ये इसका सेकंड स्टेप था, ये इसका सेकंड स्टेप था। तो याद बेसिकली आपने क्या रखना है, एंजाइम का नाम, क्या नाम है एंजाइम का, डाइहाइड्रो ऑरोटेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और क्या बन जाता है, ऑरोटिक एसिड बन जाता है। समझ आ गई ये चीज, यहां तक समझ आ गया, चले अब ऑरोटिक एसिड क्या करता है, अब ये इधर से ऑरोटिक एसिड, ठीक है, इधर से
इधर से आपका ये प्यूरीन सिंथेसिस पाथवे, ये प्यूरीन सिंथेसिस पाथवे चलता है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले ये देख लें कि प्यूरीन सिंथेसिस पाथवे के नतीजे में क्या बन जाता है आपका ये पी आर पी पी। पी आर पी पी किसे कहते हैं? पी आर पी पी होता है फास्फोराइबोसाइल पैरोफास्फेट, ये बन जाता है। ठीक है, ये अभी देखते हैं इसको साइड में कि प्यूरीन सिंथेसिस बाद में देखते हैं, लेकिन सिर्फ इतना देख लें कि प्यूरीन सिंथेसिस के दौरान में क्या बना होता है, पी आर पी पी बना होता है। अब ये पी आर पी पी ये मुखफ्फफ है फास्फोराइबोसाइल पैरो फास्फेट, ये बना होता है। अब इधर से पी आर पी पी और इधर से ऑरोटिक एसिड दोनों आपस में मिल जाते हैं, और दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, यू एम पी, यूरिडीन मोनोफास्फेट, यूरिडीन मोनोफास्फेट। और यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो होता है यूरिडीन मोनोफास्फेट सिंथेस, यूरिडीन मोनोफास्फेट सिंथेस। ये क्या है, ये सिंपल से ये क्या है, अब इसको याद कैसे करना है, बन क्या रहा है, यूएमपी, तो यूएमपी लगा के नाल साथ में सिंथेस लगा दे। ठीक है, ये स्टेप समझ आया, ये वाला स्टेप कि इधर से आपका, इधर से क्या आपका पी आर पी पी और इधर से ऑरोटिक एसिड मिलेंगे साथ में, और साथ में मिलकर क्या बना देंगे, यूरिडीन मोनोफास्फेट, और एंजाइम कौन से इन्वॉल्व होगा, यूरिडीन मोनोफास्फेट सिंथेस। और अगर ये वाला एंजाइम इंपेयर्ड हो जाए तो आपको ऑरोटिक एसिडोरिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको ऑरोटिक एसिडोरिया एसिडोरिया हो जाएगा, आपके यूरिन में क्या होगा, ऑरोटिक एसिड, तो उसमें आपको मतलब आपको एसिडोरिया हो जाएगा, तो आपका जो यूरिन होगा वो एसिडिक, उसमें एसिड होगा, कौन सा एसिड होगा, ऑरोटिक एसिड होगा आपके यूरिन में। ठीक है, अगर अगर ये सही तरह से काम ना कर रहा हो तो कि कैसे भला, ये चीज मुझे कौन समझाएगा कि अगर आपका ये एंजाइम काम नहीं कर रहा यूएमपी सिंथेस, तो क्या ऑरोटिक एसिड और पीआरपी पीआरपीपी मिलके यूएमपी बनाएंगे, नहीं, तो मतलब आपका जो ऑरोटिक एसिड है वो क्या कर जाएगा, अकोमुलेट कर, जब ये अकोमुलेट करेगा तो आपके यूरिया में क्या ज्यादा होगा, ऑरोटिक एसिड, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑरोटिक एसिडोरिया। समझ आ गई ये चीज, ये वाला स्टेप समझ आ गया, पक्की बात है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो UMP बन चुका है, अब UMP फिर किस में चेंज हो जाएगा, UDP में, वो था यूरिडीन मोनोफास्फेट, ये है यूरिडीन डाइफास्फेट, सिर्फ फास्फेट का फर्क है, उधर एक फास्फेट था इधर दो फास्फेट, यूरिडीन मोनोफास्फेट एंड यूरिडीन डाइफास्फेट हो गया। अच्छा जी, आगे देखें, अब आपका यूरिडीन डाइफास्फेट, ये देखें यूरिडीन डाइफास्फेट, अच्छा एक चीज याद करें, हम किसकी बेस पर डी ऑक्सी और ऑक्सी बोलते थे, वेरी गुड डॉक्टर आसिम, कार्बन नंबर टू पे अगर हाइड्रोक्सिल ये मौजूद है तो इसको हम डी ऑक्सी नहीं कहते, अगर ये आपका ये ऑक्सीजन नहीं है अब हम इसको क्या कहेंगे, डी ऑक्सी कहेंगे। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये मेरे पास यूरिडीन है, ठीक है, इसके ऊपर ये, अच्छा यूरासिल को पहचानने का क्या तरीका था, उसके ऊपर अमाइन ग्रुप होगा, यूरासिल के ऊपर नहीं होगा अमाइन ग्रुप, उसकी नाइट्रोजनस बेस के ऊपर, यहाँ पर अगर नाइट्रोजनस बेस है एक तो सिंगल रिंग होगा, अमाइन ग्रुप होगा नहीं होगा अमाइन ग्रुप, और इधर सी एच थ्री होगा नहीं होगा, सी एच थ्री तो थाइमिन के ऊपर होता है, तो ये हमारे पास यूरिडीन है, यूरिडीन मोनोफास्फेट बल्कि डाइफास्फेट, दो फास्फेट लगे हुए हैं इसके। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास यूरिन, और यहाँ पर ऑक्सीजन मिसिंग है बल्कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, यूरिडीन डाइफास्फेट, यूरिडीन डाइफास्फेट हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वो कहता है इसी यूरिडीन डाइफास्फेट को बनाना है डी ऑक्सी यूरिडीन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ऑक्सीजन रिमूव, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन, तो यहां पर ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, तो मतलब एंजाइम ऐसा इन्वॉल्व होगा जो रिडक्शन करा रहा होगा, रैबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, रैबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये वाला एंजाइम किस किस को याद है, रैबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, इम्यूनोलॉजी में हमने पढ़ा था, याद करें, है? नहीं याद आ रहा, चले हमने वो देखा था ना, हमने एक ड्रग पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि वो कौन सी ड्रग पढ़ी थी, एजिथ्रोमाइप्रिन, हमने वो ड्रग पढ़ी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वो वाला एंजाइम नहीं है, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ये वो वाला एंजाइम नहीं है, वो होता है माइटोट्रांसफरेज एंजाइम होता है, वो और होता है, ये और है,
अच्छा देखे, इसमें देखे, अब एंजाइम का नाम क्या है? रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये मतलब इसकी क्या करता है? रिडक्शन करता है। जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो आपका है उसके कार्बन नंबर 2 पे जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करता है, उसकी रिडक्शन करता है, तो उसको क्या बना देता है? डी ऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये बात समझ आई है कि इसके जो कार्बन नंबर 2 पे जो ऑक्सीजन थी वो उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। इसको क्या करेगा? रिमूव। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो एंजाइम नेम्ड इज रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। क्या नाम है? रिडक्टेज। तो ये वाला समझ आ गया, ये वाला कंसेप्ट कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट की होती है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2, देन इट विल बिकम द डी ऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। डी ऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट बन जाएगा और एंजाइम जो एक्ट करेगा वो कौन सा होगा? रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम। समझ आ गई ये बात? ये हाइड्रोक्सी यूरिया, ये लिथोनोमर, ये हम ये फार्माकोलॉजी है, इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम ये इसके सिंपल देख लें कि ये स्टेप, इसके स्टेप बाय स्टेप देख लें, फिर इसकी हम फार्माकोलॉजी उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये समझ आ गया कि रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम यूरिडीन डाइफॉस्फेट के कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव करेगा, उसकी रिडक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका? डी ऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। अब डी ऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट रिमूव होगा तो ये क्या बन जाएगा? डी ऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इसी तरह इधर से यूरिडीन डाइफॉस्फेट से क्या बनता है? साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी क्या बन गई? साइटोसिन। साइटोसिन आपकी बन गई, आपका वो पिरिमिडिन, इधर से ये साइटोसिन वाला बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, अब जो पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। ये दोनों एंजाइम, ये वाला एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ये है कि आपका डी ऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, अब हम डी ऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को चेंज करने जा रहे हैं डी ऑक्सी थैमिडीन मोनोफॉस्फेट में। याद करें, हमने पहले दो लेक्चर्स में देखा था कि यूरासिल और थायमिन में डिफरेंस क्या था। देखें, ये आपका था, मैं कहता हूं साइटोसिन, आप कहते हैं इसके ऊपर मिथाइल अमाइन ग्रुप होगा, मैं कहता हूं कि ये आपका है यूरासिल, आप कहेंगे अमाइन ग्रुप नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप भी नहीं होगा। मैं कहता हूं कि ये आपका है थायमिन, तो यहां पर अमाइन ग्रुप तो नहीं होगा लेकिन यहां पर मिथाइल ग्रुप तो होगा। तो याद करें, मैंने कहा था इसी यूरासिल से क्या बनता होता है? थायमिन। लेकिन क्या ऐड करते होते हैं उसके ऊपर? मिथाइल ग्रुप। और एक एंजाइम एक्ट करता था जिसका नाम था थायमिडाइलेट सिंथेज, थायमिडाइलेट सिंथेज। तो बिल्कुल यही चीज, बिल्कुल यही चीज क्या भला कि आपके हम डी ऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को चेंज करेंगे डी ऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, जब इसको इसमें चेंज करेंगे तो कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? थायमिडाइलेट सिंथेज। मतलब इसमें वो क्या ऐड करेगा? CH3। इसमें CH3 ऐड होगा मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? डी ऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। समझ आ गई ये चीज? ये चीज समझ आ गई है? तो यूरिडीन से क्या बन जाएगा आपका? थायमिन। तो ये यही बात कह रहा है कि डी ऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट के ऊपर ये वाला एंजाइम एक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? डी ऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट। अब एक बात बताया मुझे, एक बात बताया मुझे कि वाकई वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है या फिर सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करता है? देखें, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, इसका ये कार्बन नंबर, तो कार्बन तो इसके ऊपर लगे होते हैं ना। अब इसने यहां पर इसके ऊपर एक कार्बन भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, लेकिन उसने दो हाइड्रोजन और ऐड करने हैं, क्या बन जाएगा? ये CH मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, दो दो उसने क्या ऐड करने हैं? हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो उसकी बॉन्डिंग में डिफरेंस आ जाएगा ना, जहां पे डबल बॉन्ड थे वो सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है ना, तो बेंजीन, बेंजीन बॉन्ड याद है, वो बेंजीन के बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसके दरमियान पहले डबल बॉन्ड थे तो फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो अच्छा, अब इस एंजाइम को, थायमिडाइलेट सिंथेज को, ये डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से डीऑक्सीथायमिडीन मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए एक और चीज की नीड होती है विटामिन की, जिसका नाम है मिथाइलिन टेट्रा हाइड्रोफोलेट।
टेट्राहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, इसको इसकी नीड होती है। अब ये इससे क्या लेता है, ये टेट्रा है ना, ये क्या है टेट्रा, इससे दो हाइड्रोजन ले लेता है, इसको क्या बना देता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, और दो हाइड्रोजन लेके मैंने अभी कहा है यहां पे ऐड कर देगा। कार्बन पहले से था, एक एच पहले से था, आप क्या बन जाएगा CH3, तो आपका यूरिडीन मोनोफॉस्फेट क्या बन जाएगा थायमिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। लेकिन इसके पास कितने फोलिक एसिड के हाइड्रो कितने थे, हाइड्रोजन टेट्रा हाइड्रो मतलब कितने हाइड्रोजन है 4। अब इसमें से उसने दो हाइड्रोजन ले लिए, पीछे कितने हाइड्रोजन बचेंगे 2, तो क्या बन जाएगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। ये बात समझ आ गई है कि उसके पास टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड था, दो हाइड्रोजन इसने ले लिए और लेके डी ऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से बना दिया डी ऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। जब इससे दो हाइड्रोजन लिए तो ये टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड था, अब ये बन जाएगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। अब इसी डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को दोबारा हमने क्या बनाना है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, ताकि ये वाला एंजाइम दोबारा इसके ऊपर एक्ट कर सके और दोबारा एक बार फिर भी तो बनाना है ना, ये तो नहीं कि एक बार बन गया तो बस खत्म, नहीं हमने दोबारा भी तो बनाना है उसको, तो दोबारा बनाने के लिए हमें टेट्रा फॉर्म दोबारा चाहिए। उसके लिए क्या करता है कि अब एक एंजाइम और एक्ट करेगा, उसका नाम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज रिडक्शन अगेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो इसको ये फिर दोबारा दो हाइड्रोजन दे देगा, ये डाइहाइड्रो था इसको दो है देगा, पे क्या बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब किसने दिए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ने इसको क्या दे दिया दो हाइड्रोजन, तो अब ये फिर दोबारा क्या बन गया टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसमें दोबारा चार हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें मजीद चेंजमेंट्स आती है और N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है। अब ये मिथाइलिन क्यों है, क्योंकि यहां पर ये क्या ऐड हो रहा है मिथाइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप ऐड करता है यहां पर मिथाइल ग्रुप, तो उसके मतलब इसका नाम है मिथाइलिन N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या फोलेट, ये विटामिन आपका ठीक है, ये समझ आ गया। तो इस तरह ये अब दोबारा अवेल है, ये अब दोबारा है ना इसके पास टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये अब दोबारा इसको इसमें चेंज करेगा, इसके दो हाइड्रोजन ले लेगा, ये आपका बना देगा और फिर ये दोबारा डाइहाइड्रो बन जाएगा। तो ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा सारा, समझ आ गया पक्की बात है। मैं इसको रिपीट करूं पूरे साइकिल को, इसको रिपीट करने की जरूरत है मिथाइलेशन कैसे हुई? देखें बात सुने मेरी, पहले से ये मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, इट डज मीन दैट कि इसने ऐड क्या करना है मिथाइल ग्रुप डाइहाइड्रोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से डाइहाइड्रोथायमिन मोनोफॉस्फेट, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। मिथाइल ग्रुप कौन ऐड कर रहा है थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम, कैसे ऐड कर रहा है मैंने पहले कहा, ये कार्बन तो पहले से लगा हुआ है, एक्स्ट्रा कार्बन लगेगी तो ये एक्स्ट्रा कार्बन यहां से आएगी ना, ये आपकी मिथाइलिन से हाँ, लेकिन ये मिथाइलिन है ना उसके पास यहां से, लेकिन ये तो कार्बन पहले आ गई ना हाँ, इसके यहां से एच एक बन जाएगा हाँ, और ये सी कहां से आया, ये आपके मिथाइलिन से, समझ आ गई चीज। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, जब मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ तो दो ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड था, इसमें से दो हाइड्रोजन निकल गए, फिर पीछे कितने रह गए दो हाइड्रोजन, फिर यही दो हाइड्रोजन इसके ऊपर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इसकी रिडक्शन करेगा, इसमें दो हाइड्रोजन और ऐड कर देगा, अब ये क्या बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर चार बन जाएगा ठीक है। तो इसी तरह फिर ये मजीद इसमें चेंजमेंट्स होंगी N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फिर बन जाएगा, ये फिर इसमें यूटिलाइज होगा, फिर ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा, समझ आ गई है चीज पक्की बात है। अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपका थायमिडाइलेट सिंथेज इस एंजाइम को जो इनहिबिट करता है वो आपका होता है 5-फ्लोरो यूरासिल, ये आपकी ये 5-फ्लोरो यूरासिल ये ड्रग हम यूज करते हैं, और ये ड्रग्स एंड इट्स प्रोडक्ट के एंड इट्स प्रोड्रग दैट इज
कैपिस्टाबीन, कैपिस्टाबीन ये दो ड्रग्स, ठीक है, मतलब प्रो ड्रग का मतलब होता है जो इसकी प्री फॉर्म होती है। ये प्री फॉर्म कौन सी है? कैप्सिटाबाइन। और ये इसकी ड्रग कौन सी है? 5-फ्लोरो यूरासिल, ठीक है। ये ड्रग क्या करती है आपके, किसको इनहिबिट करती है? थैमिडिलेट सिंथेज एंजाइम को क्या करती है? इनहिबिट करती है। तो इस तरह आपका क्या नहीं बनता? डीऑक्सीथैमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये बनेगा? नहीं बनेगा। 5-फ्लोरो यूरासिल ड्रग आपने यूज की, इस ड्रग ने जाके इसको क्या कर दिया? ये देखिए, इनहिबिट कर दिया। जब ये इनहिबिट होगा तो क्या डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से डीऑक्सीथैमिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा? नहीं। जब पेरिमिडीन नहीं बनेगी, पेरिमिडीन नहीं बन रही, तो क्या न्यूक्लियोटाइड बनेगा? न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो डीएनए बनेगा? नहीं बनेगा। जब बी सेल्स का या टी सेल्स का डीएनए नहीं बनेगा तो इट डज मीन दैट हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है? सप्रेस। तो इस ड्रग को हम क्या बोलेंगे? मतलब इस तरह ये इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स इस तरह मतलब किरदार अदा करती हैं, ठीक है। और इसी तरह इन ड्रग्स को हम कैंसर में यूज करते हैं, ठीक है, कि कैंसर के सेल्स को दबाने के लिए, कैंसर के सेल्स की डेथ के लिए उनका डीएनए नहीं बनने देते हैं, तो 5-फ्लोरो यूरासिल वहां पे यूज होती है, ठीक है। समझ आ गई है? ये इंपॉर्टेंट है। 5-फ्लोरो यूरासिल आपके थैमिडिलेट सिंथेज को क्या करती है? इनहिबिट करती है। अच्छा, ये तीन ड्रग्स हैं, कौन कौन सी? पहली ड्रग्स है मेथोट्रेक्सेट, मेथो ये एमटीएक्स जो लिखा हुआ है, मेथोट्रेक्सेट, और आपकी टीएमपी से बनता है आपका ट्राइमेथिप्रीम, कौन सी? ट्राइमेथिप्रीम, और आपकी पेरीमेथिमिन। ये तीन ड्रग्स इनहिबिट करती हैं डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो क्या डाई हाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा? ये दोबारा इस फॉर्म में आएगा तो क्या ये आपका डीऑक्सीथैमिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये ड्रग्स आपकी कौन कौन सी ड्रग्स? ये देखें यहां पर, मेथोट्रेक्सेट और ट्राइमेथोप्रीम और आपकी पेरीमेथामाइन, ये तीन ड्रग्स। और आपकी जो मेथोट्रेक्सेट ड्रग होती है ये यूज होती है ह्यूमंस में, कहां पर देख ले, इसको देख ले, ये तीन ड्रग्स के नाम देख ले, मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रीम और पेरीमेथामाइन, तीन ड्रग्स हैं। ये इनहिबिट करती हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और ये डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन नहीं होने देती, ठीक है। अब जो आपकी मेथोट्रेक्सेट है ये यूज होती है ह्यूमंस यूकेरियोट्स में, और आपकी जो ट्राइमेथोप्रीम ये यूज होती है आपके बैक्टीरिया में, कहां पर? कि अगर आपने किसी बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ को रोकना है, बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ को रोकना है तो आप क्या देंगे? ट्राइमेथोप्रीम। ट्राइमेथोप्रीम जाके डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को रोक देगी तो क्या बैक्टीरिया का ये बनेगा डीऑक्सीथैमिडीन मोनोफॉस्फेट? नहीं। तो क्या बैक्टीरिया का डीएनए बनेगा? नहीं। तो क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी? नहीं। ये बात समझ आई है कि हमने ट्राइमेथोप्रीम दी, बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकना चाहते हैं तो डाइहाइड्रोफिलेट रिडक्टेज इनहिबिट होगा तो क्या ये डीऑक्सीथैमिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा? नहीं। बैक्टीरिया का डीएनए बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? किलिंग हो जाएगी। समझ आ गई ये बात? और इसी तरह मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग्स होती हैं ये हम कैंसर के लिए मतलब अगर हम किसी कैंसर सेल की डेथ चाहते हैं तो हम उसको देंगे, ह्यूमंस में ये काम करेगा तो क्या ह्यूमंस में डीएनए बनेगा फिर? नहीं। जो कैंसर सेल्स है उनका डीएनए नहीं बनेगा, वो आगे। और इसी तरह ट्राइमेथामाइन ये प्रोटोजोआ में यूज होती है, कहां पर? प्रोटोजोआ में यूज होती है, और ये प्रोटोजोआ की ग्रोथ को रोकने के लिए और उनकी किलिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। समझ आ गई ये चीज? बस ये तीन ड्रग्स के नाम देख लें और एंजाइम देख लें और ये कहाँ कहाँ यूज होती है। मेथोट्रेक्सेट कहाँ यूज होती है? ह्यूमंस में। ट्राइमेथोप्रीम कहाँ यूज होती है? बैक्टीरिया में। और ट्राइमेथामिन कहाँ यूज होती है? आपके प्रोटोजोआ में यूज होती है, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स इंपॉर्टेंट भी थी और दोनों एंजाइम भी इंपॉर्टेंट थे कि आपकी 5-फ्लोरो यूरासिल कहाँ यूज होती है? थैमिडिलेट सिंथेज में। और ये तीन ड्रग्स कहाँ यूज होती है? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में। और अलग अलग कहाँ यूज होती हैं? ह्यूमंस में, बैक्टीरिया में और प्रोटोजोआ में सेपरेटली। समझ आ गया? पक्की बात है? चले अब देखते हैं हम डॉक्टर जुबैर, मैं देख लूं कोई चीज आपकी रह ना गई हो। चले अब देखें प्यूरीन सिंथेसिस, ये पेरिमिडीन सिंथेसिस समझ आ गया है। अब प्यूरीन सिंथेसिस में क्या होता है कि आपका एस्पार्टेट रिक्वायर होता है,
ग्लाइसिन रिक्वायर होता है, ग्लूटामाइन और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये मतलब दोनों में ही ऑलमोस्ट यूज होते हैं। राइबोज 5 फास्फेट शुगर, राइबोज 5 फास्फेट शुगर, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा पी आर पी पी सेंथिटेज, फास्फोराइबोसाइल पैरोफास्फेट सेंथिटेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको चेंज कर देगा पी आर पी पी में, मतलब क्या बन जाएगा, फास्फोराइबोसाइल पैरोफास्फेट। आपके राइबोज 5 राइबोज 5 फास्फेट के ऊपर एक्ट करेगा आपका पी आर पी पी सेंथिटेज और इससे क्या बन जाएगा आपका पी आर पी पी। सिंपल सा स्टेप था, पी आर पी पी बन गया। अब पी आर पी पी कन्वर्ट होता है आपके इनोसिन मोनोफास्फेट में, इनोसिन मोनोफास्फेट में, इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम होता है पी आर पी पी एमाइडो ट्रांसफरेज, कौन सा, पी आर पी पी एमाइडो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम याद है, मैं इसकी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी में कि उसके ऊपर ड्रग एक्ट करती थी 6 मर्काप्टोप्यूरिन अजिथियोप्राइन, अजिथियोप्राइन ड्रग इसके ऊपर एक्ट करती थी पी आर पी पी माइटोट्रांसफरेज के ऊपर और इसको इनहिबिट करती थी, तो प्यूरिन की सेंथिसिस नहीं होती थी, तो इस तरह हम बी सेल्स और टी सेल्स को इनहिबिट करते थे, उसकी सप्रेशन करते थे। याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, चले खैर यहां पर वापस आ जाए, देखें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पी आर पी पी बन गया। अब इस पी आर पी पी के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है पी आर पी पी माइटोट्रांसफरेज एंजाइम, ये एंजाइम आपके पी आर पी पी को चेंज कर देता है इनोसिन मोनोफास्फेट में, इनोसिन मोनोफा। अब ये आपके इनोसिन मोनोफास्फेट भी नाइट्रोजनस बेस की तरह की एक नाइट्रोजनस बेस होती है, ठीक, इनोसिन मोनोफास्फेट। अब ये इनोसिन मोनोफास्फेट फर्दर, इनोसिन मोनोफास्फेट फर्दर कन्वर्ट होगी आपकी एडिनोसिन मोनोफास्फेट या फिर गुआनोसिन। स्पीड तेज है, चले मैं स्पीड स्लो करता हूं। चले मैंने कहा कि आपका जो पी आर पी पी है, ठीक है, पी आर पी पी के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है पी आर पी पी अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और इससे क्या बन जाएगा आपका इनोसिन मोनोफास्फेट, क्या बन जाएगा, इनोसिन मोनोफास्फेट। अब इनोसिन मोनोफास्फेट ने फर्दर तब्दील होना है एडिनोसिन मोनोफास्फेट या फिर गुआनोसिन मोनोफास्फेट में, इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम होता है इनोसिन मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, इनोसिन मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, नाम जहर है, इनोसिन मोनोफास्फेट है उससे इनोसिन मोनोफास्फेट और डीहाइड्रोजिनेज, और क्या, डीहाइड्रोजिनेज। इसको हम देखेंगे कि इसको डीहाइड्रोजिनेज क्यों कहते हैं आगे, हम इसको प्यूरिन साल्वेज पाथवे में इसको हम देखेंगे डिटेल में, बस आप यहां पर इतना देख लें, क्या देख लें आप देखें कि इनोसिन मोनोफास्फेट फर्दर एडिनोसिन मोनोफास्फेट और गुआनोसिन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम यहां पर कौन सा एक्ट करता है, इनोसिन मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, इनोसिन मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, समझ आ गया। मैं रिपीट करता हूं, रेबोज 5 फास्फेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा पी आर पी पी सेंथिटेज, तो इससे क्या बन जाएगा पी आर पी पी। अब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा पी आर पी पी एमाइडो ट्रांसफरेज, इससे क्या बन जाएगा इनोसिन मोनोफास्फेट। अब इनोसिन मोनोफास्फेट या तो तब्दील हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट में या फिर गुआनोसिन मोनोफास्फेट में, ये प्यूरिन होती है ना दोनों, एडिनोसिन और एडिनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अब फर्दर आपके एडिनिन मोनोफास्फेट और गुआनिन मोनोफास्फेट से बनेंगे डीऑक्सी एडिनिन मोनोफास्फेट और डीऑक्सी गुआनिन मोनोफास्फेट, एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये देखें यूडीसी पे डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, एंजाइम दोनों के ऊपर कौन सा एक्ट करेगा, रिबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। फिर इससे आगे फर्दर डीऑक्सी आपके एडिनिन मोनोफास्फेट से फिर आगे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा आपका, थायमोडाइलेट सेंथिटेज, तो इससे आपकी क्या बन जाएगी मुकम्मल तौर पर, आपकी क्या बन जाएगी एडिनिन बेस और आपकी गुआनोसिन और एडिनिन आपके प्यूरिन बेस बन जाएगी, ठीक है, समझ आ गई है। तो कौन,
नहीं मिथाइलेशन तो नहीं होगी, उनकी होगी डीमाइनेशन। याद है एडेनिन की डीमाइनेशन से क्या बन रहा था? गुआनिन बन रहा था, उसका माइन ग्रुप रिमूव हो रहा था। तो देखें कौन सा एंजाइम यहां पर कॉमन है, एक ये वाला एंजाइम और एक ये वाला एंजाइम, ठीक है। ये दो एंजाइम क्या, और ये वाला एंजाइम कॉमन नहीं होगा क्या? इसकी मिथाइलेशन होती है नहीं, तो ये वाला एंजाइम कॉमन नहीं होगा। ये वाला एंजाइम क्या होगा? कॉमन होगा, और ये वाला एंजाइम भी कॉमन है जो पैरिमिडीन में भी आ रहा है और प्यूरिन में भी आ रहा है। समझ आ गई ये चीज? ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि दोनों में कॉमन है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। फार्माकोलॉजी जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम कॉमन होते हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों? क्योंकि जब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से डीऑक्सी बनेंगे तो ये वाला एंजाइम यहां पर भी इन्वॉल्व होगा, और जब इसकी डीमाइनेशन होगी तो वहां पर भी हमें ये वाला रिडक्टेज एंजाइम चाहिए होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह ऐड करने के लिए, उसकी डीमाइनेशन के लिए, अमाइन ग्रुप की रिमूवल और एडिशन के लिए, ठीक है। अब देखें, अब ये समझ आ गया कि मैं इसको सेंथेसिस को दोबारा रिपीट करूं दोनों की सेंथेसिस को, या एक बार भाग के रिपीट कर दो जल्दी से, हैं? फार्माकोलॉजी अप्लाई करें आप, पक्की बात है। चले जी, अब वो ड्रग्स जो दोनों सेंथेसिस को रोक दी है, दोनों को, प्यूरिन एंड पैरिमिडीन को, सबसे पहली है हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग। ये देखिए हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग, ये इनहिबिट करती है आपके रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को। रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज यहां पर भी इनहिबिट हो जाएगा, यहां पर भी, तो ना तो पैरिमिडीन बनेगी और ना ही प्यूरिन, तो दोनों रोक गई। तो इस तरह दोनों की रिडक्शन इनहिबिट्स रेबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। और दूसरी ड्रग्स मेथोट्रेक्सेट ट्राइमेथोप्रिम एंड पेरीमेथामाइन इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको, ये भी मैंने कहा है कि कॉमन एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर देंगी, जो कि यूज होती है डिक्रीज डीऑक्सीथायमिडीन मोनोफॉस्फेट इन ह्यूमंस बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है, तो ये दो ड्रग्स कौन कौन सी, हाइड्रोक्सी यूरिया और ये पहले मैंने कहा मेथोट्रेक्सेट और ट्राइमेथोप्रिम और पेरीमेथामाइन, ये ड्रग्स आपकी दोनों सेंथेसिस को रोकती है, प्यूरिन को भी और पेरिमिडीन को भी इनहिबिट करती है, ठीक है। और 5-फ्लोरोयूरासिल ये किसको रोकती है? थायमिडालेट सिंथेसिस, मतलब सिर्फ और सिर्फ पेरिमिडीन को रोकती है, किसको? पेरिमिडीन सिंथेसिस को। ये दोनों जो ड्रग्स दोनों में यूज होती हैं वो समझ आ गई हैं। अब देखते हैं वो वाली ड्रग्स जो सिर्फ आपके पेरिमिडीन को रोकती हैं, कौन सी? ये हमने पढ़ ली है 5-फ्लोरोयूरासिल एंड इट्स प्रो ड्रग कैप्सिटाबीन, ये किसको मना करती है आपके, इसको, थायमिडालेट सिंथेसिस को, इसको अभी हमने पढ़ा, ये समझ आ गई है। दूसरी ड्रग कौन सी है? लिफोनामाइड। अब लिफोनामाइड इनहिबिट्स डाइहाइड्रोओरेटेट डीहाइड्रोजिनेज, ये हमने यहां पे पढ़ा था, यहां पे हमने कहा था कार्बामाइल फास्फेट में एस्पार्टेट ऐड होता है और उससे क्या बन जाता है? ओरोटिक एसिड। अब यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व था वो कौन सा था? डाइहाइड्रोओरेटेट डीहाइड्रोजिनेज। अब डाइहाइड्रोओरेटेट डीहाइड्रोजिनेज को कौन सी ड्रग इनहिबिट कर रही है? लिफोनामाइड। लिफोनामाइड इसको इनहिबिट करेगी तो क्या आपको ओरोटिक एसिड बनेगा? जब ओरोटिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या ये नीचे वाला प्रोसेस होगा? नहीं। तो इस तरह भी आपकी पेरिमिडीन की सिंथेसिस क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो पेरिमिडीन की सिंथेसिस में कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व है वो याद हो गई है, पक्की बात है, और प्यूरिन और पेरिमिडीन जो दोनों में इन्वॉल्व है वो भी याद हो गई है। अब देखते हैं प्यूरिन सिंथेसिस में, अब जिन्होंने इम्यूनोलॉजी पढ़ी हुई है उनको कोई मसला नहीं होगा यहाँ पर बिल्कुल भी, उनको पहले से याद होगा। ये वाली ड्रग 6-मर्केप्टोप्यूरिन 6-MP एंड इट्स प्रोड्रग एजिथियोप्राइन, हम एजिथियोप्राइन देते हैं, एजिथियोप्राइन जाके चेंज हो जाती है किसमें? 6-MP में। अब ये 6-MP इनहिबिट करती है डिनोवोप्यूरिन सिंथेसिस पाथवे, याद है वहां पर सिर्फ इतना सा लफ्ज लिखा हुआ था इम्यूनोलॉजी में, इम्यूनोफार्माकोलॉजी में, कि इनहिबिट्स द डिनोवोप्यूरिन सिंथेसिस पाथवे। कैसे इनहिबिट करती है? ये देखिए यहां पर एक्ट करेगी, यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो कौन सा है? PR, अभी मैंने बताया PR PP अमाइडो ट्रांसफरेज, अमाइडो ट्रांसफरेज। अब ये ड्रग जाके इस वाले एंजाइम को रोक देगी, जब ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो क्या आपके PR PP से इनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगी? जब इनोसिन मोनोफॉस्फेट ही नहीं बनेगी तो क्या आपके एडेनिन और गुआनिन बनेंगे? तो आपकी प्यूरिन की सिंथेसिस क्या हो रही है? इनहिबिट हो रही है। तो हमने कहा था इम्यूनोफार्माकोलॉजी में कि जब प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होती तो मतलब डीएनए की सिंथेसिस
तो आपके बी सेल्स और टी सेल्स का जब डीएनए नहीं बनता तो वो क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह इम्यूनो सप्रेसेड ड्रग है ये आपकी 6 मरकप्टोप्यूरिन या फिर एजिथियोप्राइन। समझ आ गया, एजिथियोप्राइन एजिथियोप्राइन ड्रग या 6 मरकप्टोप्यूरिन आपके पीआरपीपी माइटोट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, तो आपका प्यूरिन नहीं बनता, प्यूरिन सिंथेसिस पाथवे रुक जाता है, तो इस तरह बी और टी सेल्स क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। समझ आ गई ये चीज। चले अगली ड्रग भी हमने पढ़ी थी, माइकोफेनोलेट एंड रेबावरिन इनहिबिट्स इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, वो भी वहीं पर थी, प्यूरिन सिंथेसिस के पाथवे को रोक रही थी। ठीक है, अब ये दो ड्रग्स माइकोफेनोलेट एंड रेबावरिन, ये दोनों ड्रग्स, अब जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट से क्या बनता है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके ऊपर एंजाइम कौन सा एक्ट कर रहा था, इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, अब वो इस एंजाइम को क्या जाके क्या कर देती है, इनहिबिट, ये भी हमने इम्यूनोफार्माकोलॉजी में देखा था, ये इसको जाके क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी इस वाले एंजाइम को। जब ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्या आपका गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, नहीं, तो क्या आपकी प्यूरिन्स बन रही है, नहीं, तो क्या आपका डीएनए बन रहा है, नहीं। जब बी और टी सेल्स का डीएनए ही नहीं बनेगा तो मतलब बी एंड टी सेल्स क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, तो इसीलिए ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है। समझ आ गई ये चीज, मैं फार्माकोलॉजी को रिपीट करूं या फिर समझ आ गई है, आ गई है समझ, पक्की बात है। आपने मेन चीजें याद कौन कौन सी रखनी है, एंजाइम के नाम, ये वाला एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये जो कॉमन कॉमन एंजाइम्स हैं उनके ऊपर ड्रग्स कौन कौन सी अप्लाई होती हैं, ठीक है, और प्यूरिन्स के ऊपर कौन सी ड्रग्स अप्लाई होती हैं, पैरिमिडिन्स के ऊपर कौन सी ड्रग्स अप्लाई होती हैं, बाकी आप इनके नाम, ये डिफरेंस याद रखना है आपने CPS1 और CPS2 में, और यहाँ पर जो जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम भी आपने याद रखने, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की थी। तो स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ समझ में आई हो तो। समझ आ गया, इंशाल्लाह ताला कल हम जो है ना करेंगे आपका प्यूरिन साल्वेज डेफिशिएंसीज और प्यूरिन साल्वेज पाथवे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज यूज हुआ था, ये देखें, ये समझ आ गया, ग्लाइसिन एस्पर्टेट एंड ग्लूटामाइन अमीनो एसिड्स नेसेसरी फॉर प्यूरिन सिंथेसिस, तो ये अमीनो एसिड्स आज हमने यहाँ पर सारे यूज किए हैं, ग्लूटामाइन भी आ रहा था, देखें ग्लूटामाइन भी आ रहा है आपका, एस्पर्टेट भी आ रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का, समझ आ गया, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।